This movie encoded by Dredd Holmes. सर वो कार तो मैंने चुरा ली है, हमें काम जल्दी करना होगा। खुल जा। एक्सक्यूज मी मैडम, आप मेरी गाड़ी क्यों खोल रही हैं? तुम्हारी गाड़ी? ए, अबे आता है क्या? एक के क्रॉस कर।
पर जाओ और बाकी सब मेरे पीछे आओ। रुक जाओ, गौर से सुनो, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, हाथ ऊपर करो और बाहर आ जाओ। गोली मत चलाना, चलो इस तरफ आ जाओ, जल्दी जल्दी, जल्दी। लो ये पहन लो, इससे किस्मत जरूर साथ देगी। तुम्हारा कहाँ है? मैंने पहन रखा। अपने बंदूकें फेंक दो और फौरन हेलीकॉप्टर का इंतजाम करो, वरना सब मारे जाएंगे। क्या कर रहे हो? आइए मैडम। एलन, यहाँ क्या हो रहा है? बहुत बड़ा गिरोह था, काफी सारे हथियार बरामद हुए हैं। सच में? और मैडम, हर एक बॉक्स पर एक जैसा ही लोगो है, ये बात कुछ अजीब है। सब में एक जैसा लोगो? मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों ये फाइल्स देखो। साफ पता चलता है कि इन दोनों का हथियार की स्मगलिंग में बहुत बड़ा रैकेट है। ये लोग हथियारों की स्मगलिंग समुद्र के रास्ते से करते हैं। इनमें से एक का नाम है जेक हो और दूसरे का नाम चैंग हुआंग। हम लोग बहुत दिनों से इन दोनों का पीछा कर रहे हैं। और बॉक्स पर जो लोगो है वो मेनलैंड चाइना की केमिकल फैक्ट्री का है। इस केस के लिए तुम दोनों को चाइना जाना होगा। इस केस को सॉल्व करने के लिए तुम दोनों को ही चाइना की पुलिस के साथ मिलकर काम करना होगा। यस सर। पुलिस ने तुम्हें घेर लिया है, अपनी बोट रोको। अच्छी बात है हमारे पास स्पीड बोट है, ये माल उनके हाथ नहीं लगना चाहिए। बस एक बार यहाँ से निकल जाएं तो हम माला माल हो जाएंगे। जल्दी 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 रहो, रुको रुको, चलो चलो। गिरफ्तार कर लो इन लोगों को। वैन के बाहर निकलो। चलो जल्दी करो, लेके चलो इन्हें। जल्दी करो, जल्दी। इसमें तो ज्यादा सामान नहीं दिख रहा है, चलो इन्हें पुलिस स्टेशन ले चलो। यस सर।
सबको। रुक जाओ, हाथ ऊपर करो, भागो मत, रुक जाओ। जल्दी चलो। वोट उनके सामने की तरफ लो, जल्दी। देखो रुक जाओ, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। चलो जल्दी करो। कैप्टन, हमने उन सबको पकड़ लिया है, हम आपके पास। उठो ना पिला। हाय हाय, वेल डन, थैंक यू। हाय हाय, चैन, क्या मैं जान सकता हूँ कल तुम रेड पर अकेले क्यों गए? मुझे मदद करनी थी कैप्टन। तुम्हें अकेले जाने की इजाजत नहीं थी, डिपार्टमेंट को जवाब देना पड़ सकता है। अगर किसी को जवाब देना होगा तो वह हैं आप। क्या आप मुझे किसी भी खतरनाक मिशन पर नहीं भेजते? जब भी कोई बड़ी असाइनमेंट आती है आप मुझे किसी दूसरे काम पर लगा देते हैं। आपको क्या लगता है, हाँ मुझमें काबिलियत नहीं है? क्या आप जानते हैं कैप्टन, यहाँ पर आए हुए मुझे 3 साल हो चुके हैं, क्या इतना काफी नहीं है? मैं भी कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, मुझे भी जुर्म को खत्म करना है और यही मेरी जिंदगी का मकसद है। जुर्म खत्म करने के बहुत तरीके हैं, तुम्हें नहीं पता है क्या? कैप्टन तुम मुझे वो तरीके बताइए। क्या? देखो तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं गलत नहीं समझ रहा, मेरे भाई ने अपनी जान दी आपको बचाते हुए, इसलिए आप मेरी इतनी हिफाजत करते हैं। सही कहा ना? बताइए कैप्टन, क्या आपको नहीं लगता कि इससे मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा? चिल्लाना बंद करो, कैप्टन की बात तो सुनो। मुझे बचाने के लिए तुम्हारे भाई ने अपनी जान दे दी, उसकी मौत की वजह से मैं बिखर गया था, वो मेरा करीबी दोस्त था, तुम्हें एक छोटे भाई की तरह माना है मैंने। तुम्हारी हिफाजत करके मैं तुम्हारे भाई का कर्ज चुकाना चाहता हूँ, लेकिन ऑन ड्यूटी मैं एक बहुत सख्त ऑफिसर हूँ और कल की रेड पर मैंने तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दी थी क्योंकि मैं निगरानी करने के लिए तुम्हें भेजना चाहता था। सुपीरियर्स के ऑर्डर्स फॉलो करना जरूरी होता है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुम अकेले वहाँ चले गए। उसे मैंने जाने के लिए कहा था, ये मेरे ऑफिस आया था और रेड डालने की रिक्वेस्ट इसी ने की थी। इसने कहा ये ड्रग डीलर्स को पकड़ना चाहता है, मैंने इसके अंदर जुनून देखा तो इसे इजाजत दे दी। ठीक है सर। जानते हो चैन, तुम्हारे कैप्टन ने मुझसे कई बार कहा कि खुद को साबित करने के लिए तुम्हें मौके दिए जाने चाहिए, उसे तुम पर बहुत भरोसा है। तो चैन, मेरे ख्याल से तुमने इन्हें गलत समझा, तुम्हें कैप्टन से माफी मांगनी चाहिए। कैप्टन मुझे माफ कर दीजिए। अगर तुम्हें मुझसे कोई भी शिकायत हो तो बता दिया करो, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ। यस कैप्टन। कैप्टन मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हांगकांग से 2 इंटरपोल एजेंट्स आए हैं और उनके पास कुछ खास खबर है, उम्मीद है कि वो खबर हमारे मिशन के लिए फायदेमंद साबित होगी। शैरन, yes, जब तक वो यहाँ है उनके साथ तुम कोऑर्डिनेट करोगी। यस सर। इस तरफ आइए, बाद में मिलते हैं। मैं आपके लिए गर्म पानी भिजवा। थैंक यू। कौन है?
क्या आप जिम जा रही हैं? हाँ, वैसे मैं जाने का सोच तो रही हूँ, तुम साथ चलना चाहोगे? नहीं, आप जाइए, मैं थोड़ा घूम कर आता हूँ। अब कौन है? गर्म पानी लाया हूँ मैडम। आ जाओ। इसे वहां रख दो। मैं इंटरनेशनल एजेंट हूँ, मुझे हांगकांग पुलिस ने भेजा है। ओह, तो हम कलीग्स हैं। तुमसे मिलकर खुशी हुई, सोचा नहीं था इस तरह से मुलाकात होगी। वैसे तुम काफी खतरनाक स्टंट्स कर लेती हो। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अच्छा, वो आदमी कौन था? तुम उसका पीछा क्यों कर रही थी? वो उस केस से जुड़ा होगा जिसे मैं इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ। मैं अपने पार्टनर के साथ हांगकांग से यहाँ आई हूँ, चलो अब उसे भी ढूंढ ले। ठीक है, फिर कहीं बैठ कर बातें भी करेंगे। पीटर, हमें जल्दी चलना होगा, वो यही है। चलो। इंटरपोल में तुम कब से हो? ये देखो, ये रही वो। कौन हो तुम लोग? खत्म कर दो। उनका पीछा करते हैं। ठीक है। Oh my!
ठीक तो हो ना? हाँ। तुम पहले ही हांगकांग में वांटेड हो और अब वैसी ही गलती यहां भी कर रहे हो। क्या चाहते हो कि यहां की पुलिस भी अलर्ट हो जाए? उसने मेरे भाई को मार दिया, उसे कैसे छोड़ दूं? मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं और यह भी जानता हूं कि तुम बदला लेना चाहते हो, लेकिन थोड़ा दिमाग से काम लो। अच्छा सुनो, थोड़े दिनों के लिए तुम अंडरग्राउंड हो जाओ। मिस्टर हो, क्वान अभी अभी वापस लौटा है, वो अपने होटल में है। तो माल कहां पर है? सारा माल महफूज रखा है, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। मेरे आदमी मंगोलियन हुलिये में होंगे, काम पूरा हो जाएगा। पर संभल के रहना होगा, पुलिस से भी और इंटरपोल से भी। फिक्र मत करो, हम लोगों ने बहुत सारे ग्रुप्स बना लिए हैं, हमारा पीछा करने में उनकी जान निकल जाएगी। बहुत खूब, तो चीयर्स। तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? काफी अच्छा चल रहा है। तुम ठीक तो हो ना सुजी? मिस्टर ली कैसे हैं? मजे में हैं, किस्मत अभी उनका साथ दे रही है। उनका काम अभी वाकई बहुत अच्छा चल रहा अच्छा? है। अच्छा। वैसे काफी अरसा हो गया उनसे मिले हुए भी, वो तो हमेशा बिजी रहते हैं। सुजी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? कोई परेशानी है क्या? नहीं, बस मेरी गाड़ी चोरी हो गई। तुम फिक्र क्यों करती हो? चलो मिस्टर क्वान को ड्रिंक करने में कंपनी दो। हाँ। चक्कर आ रहा है। सुजी क्या हुआ तुम्हें? सिर में दर्द है। जेक इन्हें घर जाने दो, थोड़ा आराम करने दो। ठीक है, तुम्हें घर जाके आराम करना चाहिए, मैं मीटिंग खत्म करके आता हूँ। अपना ख्याल रखना। सुजी, 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 मेरी बात सुनो। ये देखो, तुम्हारी निशानी अब तक मेरे पास है, मैं हर रोज इसे देखता हूं, मुझे यकीन था तुम वापस आओगी। तुम्हें मिस करता हूं, अक्सर पुरानी बातें याद आती हैं, वो वक्त जो साथ गुजारा था मैं उसे भूल ही नहीं पाता। मुझे पूरा यकीन है तुम भी मुझे भुला नहीं पाई, हमारा प्यार मर नहीं सकता। सुजी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। एलन, सुजी तुम्हें जेको के साथ नहीं रहना चाहिए, वो बहुत खतरनाक है। एलन तुम उसका नाम कैसे जानते हो? सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन पुलिस को उसकी तलाश है, वो ड्रग्स का धंधा करता है। ड्रग्स का धंधा? हमें शक है कि उसका कनेक्शन इंटरनेशनल माफिया से भी है। अब मुझे समझ में आया कि मेरे पापा उसके कर्ज में क्यों डूबे हैं, जरूर ये सब ड्रग्स की वजह से था, उसने मुझे पाने के लिए मेरे पापा को फंसाया। तो अब भी तुम उसके साथ क्यों हो? जब मेरे पापा गुजर गए मैंने उसे छोड़ने की कोशिश की, पर छोड़ नहीं सकी। उसने कहा मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, वो मुझे जान से मार देगा, मैं उसकी गुलाम जैसी हूँ, मुझे डर लगता है, बहुत डर लगता है एलन। सुजी तुम बिल्कुल मत डरो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। फिलहाल हमें ऑर्डर है कि सिर्फ उस पर नजर रखो, कोई एक्शन मत लो, पर तुम फिक्र मत करो, हम उस तक जल्दी पहुंच जाएंगे।
सूजी, पर इसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए होगी। तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी। क्या तुम ये कर सकती हो? सूजी, जेक हो के साथ क्लब में एक आदमी था, क्या तुम उसे जानती हो? वो उसका बिजनेस पार्टनर है, उसका नाम है क्वान, पर वो लोग मेरे सामने कभी बिजनेस की बात नहीं करते। मुझे जाना होगा, इतनी देर नहीं रुक सकती, हम बाद में मिलेंगे। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना। मेरी जान, कितनी देर तक सोती रहोगी? तुम आ गए? जानती हो, मैं बहुत खुश हूं। सब कहते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो। मिस्टर क्वान को भी यही लगता है। तुम तो हो ही एक खूबसूरत बला। देखना चाहती हूं। खोलो इसे, मैंने कहा खोलो। कैप्टन, हमें कुछ नहीं मिला। ठीक है, मुझे कैबिन में ड्रग्स मिली हैं। तुम इन आईडीज़ को संभाल कर रखो। सुनो, तुम दोनों यहीं रुको, मैं इन सबको पुलिस स्टेशन लेकर जा रही हूँ। चलो मेरे साथ,
चलो जल्दी। Hey. तुम्हें ये पसंद है ना? ये तुम्हारे लिए है। आई बॉस, आपका सारा सामान कार में रख दिया है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ओके बॉस। जा रहे हो? मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, केमिकल फैक्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने। वापस कब आओगे? 3 या 4 दिन, हफ्ता भी लग सकता है। सुजी, तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? नहीं, मेरा मन नहीं है। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी बहुत बिजी रहूंगा, तुम फिर कभी चलना। शुक्रिया। थैंक्स बेबी, अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। गुड बाय। वो ड्रग डीलर्स साउथ में पहाड़ी रास्ता अपना रहे हैं और वहां से वो बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं और फिर उन ड्रग्स को वो दूसरे देशों में बेच देते हैं। हमें उन्हें ऐसा करने से रोकना होगा। हमें वहां की पुलिस के साथ मिलकर काम करना होगा और ये मिशन मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो तुम्हें यहां से फौरन रवाना होना होगा। यस सर। हांगकांग पुलिस से एक मैसेज आया था और उन्होंने हमारी सभी बातों पर गौर किया है। हांगकांग टाइकून जेक हो अपनी केमिकल फैक्ट्री के लोगों का इस्तेमाल ड्रग स्मगलिंग के लिए करता आ रहा है, पर उसे साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। जेक हो हांगकांग का रहने वाला है, इसलिए ये केस भी हांगकांग पुलिस ही इन्वेस्टिगेट करेगी। तुम्हें उन्हें गाइड करना होगा, लेकिन होशियारी के साथ। डिपार्टमेंट को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। हां, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। कौन है? मैं हूँ एलन। आ जाओ, चलो अब कुछ वक्त है साथ बैठने के लिए। और कोई खबर? मेरी अभी सूजी से बात हुई। जेक हो अपनी केमिकल फैक्ट्री के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गया है, उस पर निगरानी रखना मुश्किल है। जानते हो, अगर सूजी चाहे तो हमारे लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। हे, क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम अलग अलग काम करते हैं। मैं हो का पीछा करूंगी और तुम यहाँ रहो, जितने हो सके उतने सबूत इकट्ठा करो। ध्यान रहे, यहाँ उसके बहुत चमचे हैं। आ जाओ। क्या चल रहा है? मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? आओ बैठो। आओ ना। हाँ, कुछ पियोगे? नो थैंक्स। तो कोई नई इन्फॉर्मेशन? मैं बस ये बताने आई थी कि जो इन्फॉर्मेशन तुम दोनों ने मुझे दी थी वो मेरे बहुत काम आई। मुझे यकीन है हम कामयाब होंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया कैसा, ये तो हमारा फर्ज है और इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। अच्छा, अब आगे का क्या प्लान है? काम खत्म होते ही जाने का इरादा है क्या? देखो, मुझसे कोई मदद चाहिए तो बेझिझक बता देना। हाँ, क्यों नहीं, वैसे हमारी छुट्टी मंजूर हुई है तो सोच रहे हैं क्यों ना इसी बहाने चाइना घूम ले। चाइना में कहाँ, हम चुनली घूमना चाहते हैं। चलो ठीक है, एंजॉय योर ट्रिप। ये स्टेशन इतना बड़ा है कि किसी को भी ढूंढ पाना मुश्किल होता है। मेरे ख्याल से तुम्हारी ट्रेन आ गई है। चैन,
ये तोहफा तुम्हारे बेटे के लिए है और अपनी वाइफ को मेरा प्यार देना। जरूर दूंगा। चैन, उम्मीद है इस ट्रेनिंग से तुमने बहुत कुछ हासिल किया होगा, अब जिम्मेदारी से काम लेना। कैप्टन फिक्र मत कीजिए, ये एक जिम्मेदार ऑफिसर है। एक बात कहूँ चैन, तुम एक काबिल ऑफिसर हो, अब से सारे खतरनाक केसेस मैं तुम्हारे हवाले करूँगा। थैंक्स कैप्टन, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। चैन अब तुम्हें निकलना चाहिए, ट्रेन छूटने ही वाली है। ठीक है, हैव अ सेफ जर्नी। थैंक यू। अपना ख्याल रखना। थैंक यू, सी यू। बाय। जल्दी वापस आना। जरूर आएंगे। कैप्टन आपको इसकी बहुत याद आएगी, है ना? दिल से कह रहे हो ना? ठीक है, बाय, टेक केयर। बाय। मुझे देखकर चौंक गई। यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। ओह। मुझे तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई है। तुम कौन से कंपार्टमेंट में बैठने वाली हो? वाह, मेरा भी यही कंपार्टमेंट है, पर मेरी सीट उस तरफ है। क्यों ना हम दोनों रात में एक साथ डिनर करें? मिलते हैं। शुक्रिया। अच्छा लग रहा है, टेस्ट करो ना। हाँ जरूर। तो पसंद आया? अच्छा है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा ज्यादा तीखा। ये चाइना है, यहाँ का खाना जरा तीखा ही होता है। ये बताओ, तुम सच में वहाँ घूमने ही जा रही हो या किसी केस का मामला है? केस का मामला तो है ही, हम कोशिश कर रहे हैं कि बस हमें सबूत मिल जाए। अगर सबूत मिल जाते हैं तो केस सुलझाना आसान होता है। अगर तुम्हें कोई सबूत मिले तो प्लीज हमारे साथ शेयर करना, हमारा डिपार्टमेंट भी इस केस में तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहता है। अगर हमें कुछ पता चलेगा तो तुम्हारे साथ जरूर शेयर करेंगे, हम भी ये केस जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहते हैं। वैसे तुम एक टूरिस्ट के तौर पर आई हो तो तुम्हारे साथ एक दोस्त होना जरूरी है, उम्मीद है तुम समझ रही हो। मैं अपना ध्यान रखना बखूबी जानती हूँ। एलन, वक्त बहुत कम है, सेफ की तलाशी ले लो जल्दी से। ठीक है। मेरे ख्याल से यही है वो चाबी। चाबी? हाँ? नहीं सूजी, हट जाओ। सूजी तुम ठीक तो हो ना? सुसी आंखें खोलो। तुम्हारे अंदर जहरीली गैस चली गई है, ये दूध पियो। बहुत अच्छे, फिक्र मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। देखो डरो मत, सब ठीक है। कर लो उल्टी, तुम ठीक हो जाओगी। थोड़ा और पी लो, उल्टी करने की कोशिश करो। ये हुई ना बात, अब तुम्हें अच्छा लगेगा। क्या हुआ था मुझे? सुजी, क्या हुआ था एलन? यकीन नहीं हो रहा कि उसने मुझे मारने की कोशिश की। हमने ये हाईटेक मिक्सर अभी अभी खरीदा है, इसकी इंस्टॉलेशन 2 हफ्तों में हो जाएगी। जहां तक क्वालिटी का सवाल है, आप हम पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। हमारा सारा सामान एक्सपोर्ट होता है क्योंकि हमारे गुड्स की क्वालिटी लाजवाब है। हमें तो बहुत से इंडस्ट्रियल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। हमें इन्वेस्टमेंट की कोई चिंता नहीं है, हम क्वालिटी और कमिटमेंट में कोई समझौता नहीं करते। सर, आपसे मिलने कोई पुलिस ऑफिसर आए हैं। ठीक है, मैं आता हूँ, जाओ उन्हें बिठाओ। ठीक है? ठीक है सर। मिस्टर हो, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैडम माफ कीजिएगा, हमारे मैनेजर क्लाइंट को अपनी फैक्ट्री दिखा रहे हैं। ओह, उम्मीद है मुझे आपकी फैक्ट्री के बारे में छोटी मोटी जानकारी मिल सकेगी। जी जरूर, मैं अभी अपने असिस्टेंट को भेज देता हूँ, तब तक आप यहाँ बैठिए। ठीक है। मिस्टर हो, जिस शिपमेंट का आपने ऑर्डर दिया है वो बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। आपसे डील करने में मजा आया। मैं भी इस डील से बहुत खुश हूँ। थैंक यू मिस्टर हो, आइए। थैंक यू।
क्या हो गया? ये वही पुलिस ऑफिसर है, इसी ने मेरे भाई को मारा था। गाड़ी रोको, इसे मैं संभाल लूंगा। मैडम वो वहां उस तरफ। जी हाँ, थैंक यू, वेलकम। ट्राई केमिकल इंटरनेशनल ट्रेडिंग अकाउंटिंग मैनेजर। अच्छी बात है, आप मैनेजर लगती भी हैं, पर मुझसे कोई भी राज मत छुपाना। जो भी जानकारी मिले बता देना। देखो शरण, जैसे ही मुझे कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगी। मुझे यही उम्मीद थी। अच्छा मैं चलती हूँ। कैसे हो जैक? पियोगे? अच्छा सुनो, फौरन नॉर्थ की ओर रवाना हो जाओ। मिस्टर क्वान को मदद की जरूरत है। और वो लेडी ऑफिसर? मैंने तुम्हें समझाया था ना, उसे मुझ पर छोड़ दो। नहीं, मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। अपने भाई की मौत का बदला लूंगा। मुंह बंद करो, पुलिस की हम पर हर वक्त नजर है। तुम्हारी एक बेवकूफी से हम सब बर्बाद हो सकते हैं। जाओ, निकलने की तैयारी करो। हमें यह सौदा मंजूर है, आप इसकी तैयारी कीजिए। ठीक है मिस्टर, काम हो जाए। एक्सक्यूज मी, आप फिक्र मत कीजिए, काम हो जाएगा। हर चीज आपको वक्त पर मिल जाएगी, मैं कह रहा हूँ ना। वैसे भी जल्द ही मैं आपसे मिलने वाला हूँ। मैडम हाँ, इस तरफ आइए। हाँ ठीक है ठीक है, जल्द ही मिलते हैं। कैपेचिनो। ये डील काफी अच्छी साबित होगी। होटल तो वाकई बहुत शानदार है। हाँ सही कहा। कहाँ है? इतनी जल्दी क्या है, पहले मुझसे तो मिल लो।
हाय ली, तुम ठीक हो ना? हाँ, पर अगर तुम उसे शूट नहीं करती तो मैं तो गई थी काम से। तुम एक टूरिस्ट और अकाउंटिंग मैनेजर हो, तुम्हारी हिफाजत करना तो मेरी ड्यूटी है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शारन। यू आर वेलकम। वैसे हमें यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, देखते हैं एलन को कोई सबूत मिला कि नहीं। ठीक है। सूजी, कितनी खूबसूरत रात है। एलन, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिक्र मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो, शारन जल्दी वापस आ जाएगी, उसके पास जेको के खिलाफ काफी सबूत होंगे। मुझे नहीं लगता वो तुम्हें कुछ करने की कोशिश करेगा, और मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ही तुम्हारी हिफाजत के लिए। This movie coded by Dread Holmes. आज आपका बोते है तो आपके लिए एक स्पेशल केक भी रेडी है, बताइए और क्या खिदमत करूं? अच्छा, एक काम करो, 30 सेकंड में घर पहुंच कर दिखाओ। यस मैम। मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो? आपने ही तो ऑर्डर दिया है। चाबी कहां चली गई? तो चाबी मिली। थैंक यू। सिर्फ 15 सेकंड बचे हैं। हाँ, ठीक है, जल्दी करता हूँ। चलो आ जाओ। केक, कैंडल्स, शैंपेन, हो गया। मैडम, अभी भी 2 सेकंड बाकी हैं। टन टना, हैप्पी बर्थडे टू यू, तुम्हारे लिए। वाह, बहुत खूबसूरत है। पसंद आई? बर्थडे पर अगर अंगूठी दी है तो शादी के दिन क्या दोगे? अच्छा, ऐसी बात है, तो शादी पे पूरी ज्वेलरी की दुकान गिफ्ट कर दूंगा। देख लो, सौदा महंगा ना पड़ जाए। अच्छा, तुम उसकी फिक्र मत करो, पैसे तो तुम ही दोगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, सॉरी। ओके, अरे ओके, आई एम सॉरी। कोई है वहां पर? मैं देखता हूँ। कोई भी तो नहीं है, तुम ज्यादा ही डरने लगी हो। चलो केक काटते हैं। बर्थडे कैंडल्स तो भूल ही गया, रुको मैं अभी लेकर आता हूँ। ओके सुनो, रुको, ज्यादा वक्त मत लगाना। ठीक है। पार्टी खत्म हो चुकी मेरे दोस्त, जरा लाइट तो जलाओ। देखो,
छोड़ दे उसे। छोड़ दूँ उसे? मेरी जान, ये तुम्हें छोड़ने के लिए कह रहा है। चलो छोड़ देता हूँ। तेरी इतनी हिम्मत? पिछली बार तुम बच गए थे, लेकिन इस बार तुम गए काम से। सुजी, सुजी, ये तुमने क्या किया? सुजी, नहीं सुजी। एलन कैसा है? अभी कुछ कह नहीं सकते, ऑपरेशन चल रहा है। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? का पीछा कर रही हो? मेरा पीछा करना बंद करो। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही, बस याद दिला रही हूँ कि तुम हांगकांग में नहीं चाइना में हो। एलन को मारने की कोशिश की गई है, पर जब तक हमें ठोस सबूत नहीं मिल जाता, तुम अपने गुस्से पर काबू रखो। ये उसी का काम है, और कौन ऐसा कर सकता है? ये तुम्हारा शक भी तो हो सकता है। मैं नहीं चाहती कि तुम इसमें पड़ो। ये केस चाइना पुलिस को हैंडल करने दो। सुनो ली, मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। मैं भी उसे गिरफ्तार करना चाहती हूँ, पर हमें पक्के सबूत जुटाने होंगे ली। अगर वो ड्रग डीलिंग में शामिल है तो वो हमसे बच नहीं पाएगा। उसका पूरा खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और इसे हम खत्म करेंगे। दोबारा ऐसा करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। मेरे ख्याल से मुझे इसकी रिपोर्ट अपने बॉस को देनी चाहिए, वही ठीक रहेगा। देखो ली, तुम यहीं पर रुककर एलन का ख्याल रखना। क्या फैसला किया? फैसला हो चुका है। हाँ, हम तुम्हारे मुताबिक ही चल रहे हैं। कैसा है वो? पता नहीं, अब तक कोई बाहर नहीं आया। ये लोग आ गए। डॉक्टर कैसा है? देखिए, डरने की बात नहीं है, वो अब खतरे से बाहर है।
बहुत ही बहादुर इंसान है, बस उन्हें थोड़ा आराम करने की जरूरत है, वो ठीक हो जाएंगे। क्या हम अब उससे जाकर मिल सकते हैं? बिल्कुल। एलन, मुझे सुन पा रहे हो? हे, लेटे रहो। नहीं, मैं ठीक हूँ। सुजी, वो कैसी है? एलन, जब तक हम घर पहुंचे वो नहीं। सुजी, तुमने मेरी जान बचाने के लिए सब्र करो एलन, मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। मुझे भी बहुत अफसोस है। सुजी बहुत ही मासूम थी, हमें उसके जाने का बहुत ही अफसोस है एलन। हम मुजरिम को पकड़ने के लिए जी जान लगा देंगे। तुम्हें एक बात बतानी थी, उन्हें नहीं पता कि एलन जिंदा है और हम इस बात का पूरा फायदा उठा सकते हैं। खबर फैला देंगे कि एलन की मौत हो गई है, पर हाँ, तुम्हारी इजाजत चाहिए। जेको को पकड़वाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है, अब वो हमसे ज्यादा दूर नहीं है, जल्दी ही वो हमारे कब्जे में होंगे। हमें चाइनीज पुलिस पर पूरा भरोसा है। जब से हम यहाँ आए हैं आप लोगों ने बहुत मदद की, अब प्लीज हमें मौका दो कि हम तुम्हारी कुछ मदद करें। इसके लिए मुझे सोचने का मौका दो। वैसे तब तक क्यों ना तुम लोग चाइना की सैर कर लो, इस तरह से तुम्हें भी एक ब्रेक मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। एक और बात कहनी थी, क्योंकि तुम लोगों की जिम्मेदारी मुझ पर है तो मुझे तुम्हारे साथ रहना होगा। तुम साथ रहोगी तो अच्छा लगेगा। तुमने हमारा बहुत साथ दिया है शरण, वक्त मिले तो तुम्हें भी हांगकांग आना चाहिए। मेरी मानो वो जरूर एक यादगार ट्रिप होगी। थैंक्स, तब तो मुझे आना ही पड़ेगा। सोमवार की रात एक घर में एक लड़की और लड़का बेहद घायल अवस्था में पाए गए थे। लड़की तो इसी शहर की रहने वाली बताई जाती है, पर वो लड़का हांगकांग का पुलिस ऑफिसर था। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, पर लड़की की मौत पहुंचने से पहले ही हो गई और ऑपरेशन के दौरान वो लड़का भी नहीं बचा। इसी दौरान सूत्रों के हवाले से पता चला कि कल लगी फैक्ट्री की आग किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से हुई। ताज़े है ना? ठीक है।
ये हमारा ट्रेनिंग कैंप है। यहाँ पर हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है मुश्किल हालात का सामना करने के लिए, जैसे कंग फू और हर तरह के मार्शल आर्ट्स। यहाँ ट्रेनिंग देने के लिए दुनिया के सबसे अच्छे ट्रेनर्स आते हैं। ये देश की सबसे ताकतवर सेना मानी जाती है। इन्हें मुश्किल हालात का सामना करना सिखाया जाता है। अगर जरूरत पड़े तो ये पुलिस की मदद करने के लिए भी काम आते हैं। ऑपरेशंस कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, ये उनके लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। तुम देख सकती हो कि ये कितनी मेहनत कर रहे हैं। ओह, तुम हो, आओ आओ, कहो बात क्या है? वो फिरंगी सामान चेक करने आने वाले हैं। जेक ने खबर देने के लिए कहा है, तुम तैयार रहना। फिक्र करने की बात नहीं है मिस्टर, हो सके ना उनका काम हो जाएगा। टिकट दिखाइए प्लीज। आपका hey, क्या कर रही हो? अंधे हो क्या? मैं अपना सामान उतार रही हूँ। चल हट। नहीं, चलो हटो यहाँ से। जा अपनी सीट पे जाके बैठ। जा रही हूँ, चिल्लाओ मत। करके अंदर आइए जल्दी। चाहते क्या हो? मैं क्या चाहता हूँ? तेरी जान! तुझे मारकर मेरे भाई की मौत का बदला लूंगा। आ, 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 आ,
जाओ। हांगकांग पुलिस, अपने हाथ ऊपर करो। होशियारी नहीं, गन नीचे फेंक दो। ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। अगर उसे जिंदा रख सकते तो काफी कुछ उगलवा सकते थे। मैं भी यही चाहता था, लेकिन तुम्हारी जान खतरे में थी। मैं उसे जिंदा पकड़ना चाहता था, लेकिन ऐन मौके पर उसने अपने आप को मार डाला। अब कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलना मुमकिन नहीं है। सारी मेरी गलती है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वैसे मुझे तुम्हें कुछ बताना था। ड्रग वाले केस के काफी सबूत मिल चुके हैं। मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम अकेले काम नहीं करोगी। देखो, शैरन को अपने साथ रखो। मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। चैन, ये क्या हो गया? कैप्टन, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपना वादा नहीं पूरा कर पाया। नहीं चैन, चैन, छोड़ूंगा नहीं।
ये तुम्हारे लिए है। से बच नहीं सकते, किसी को नहीं छोड़ूंगा। हेलो अंकल विलियम। हेलो बेटा। अंकल विलियम, जब मैं बड़ा होऊंगा तब आपकी तरह बुरे लोगों का खात्मा कर दूंगा। जरूर। देखो, मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी। इसमें कोई शक नहीं कि ड्रग डीलर्स को विदेशी ताकतों का साथ है। उनका कोई खुफिया रास्ता है जहां से माल बाहर जाता है। हमें पता लगाना होगा कि उनका ये माल कहां जमा किया जाता है। शैरन, विलियम, मैं चाहता हूं कि तुम ये पता लगाओ कि उनका ये अड्डा कहां है। इस मिशन की कामयाबी तुम पर ही टिकी है, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम दोनों काबिल ऑफिसर्स हो। शुक्रिया। थैंक यू। कैप्टन, कुछ तो बोलिए, इस तरह चुप मत रहिए, जो भी मन में हो वो कह दीजिए। चैन की मौत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं और शैरन ये बात मैं दिल से नहीं निकल पा रहा हूं। मैं समझ सकती हूं कैप्टन कि आपको कैसा लग रहा होगा। हादसे तो हमारे काम में होते रहते हैं। चैन की मौत का मुझे भी अफसोस है, उसकी बीवी और बच्चे का क्या होगा। कम से कम आप तो हिम्मत मत हारिए। तुम ठीक कहती हो शैरन, चैन की मौत हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन मुझे हिम्मत रखनी होगी। मिशन पूरा करके जुर्म को खत्म करना होगा। कल क्या होने वाला है ये कोई नहीं कह सकता। इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो जज्बात पर काबू पाना चाहिए। मैक्स, आपका सारा माल तैयार है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। फाइन, मैं माल को कब देख सकता हूँ। ऐसी भी क्या जल्दी है। कल मैं आपके लिए गाड़ी भेजूंगा, वो आपको हमारे एक खास ठिकाने पर ले जाएगी। हमने सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम किया है, फिक्र मत कीजिए, ड्रिंक्स के मजे लीजिए। चीयर्स। हमें और गार्ड्स की जरूरत है, ये पूरा एरिया कवर करना है। देखो, चौकन्ना रहना, माल का यहाँ से हिफाजत से निकलना बहुत जरूरी है। ठीक है बॉस। कल तक सारा इंतजाम हो जाएगा।
यहाँ तो हर जगह ड्रग्स और हथियार हैं। गौर से सुनिए, हांगकांग पुलिस ने हमारा बड़ा साथ दिया है और ड्रग डीलर्स की सही जानकारी दी है। कैप्टन विलियम और ऑफिसर शरण ने इस केस में बहुत होशियारी से काम लिया और हमें उनके ठिकानों और हथियारों का सही पता बताया। हमें कोई चूक नहीं करनी है और अब इस गिरोह के नापाक इरादों को हमें हमेशा के लिए खत्म करना होगा। कैप्टन विलियम और ऑफिसर शरण पहले से ही दो ग्रुप्स ले जा चुके हैं और वो अंदर से हमला करेंगे, और इसमें कोई शक नहीं कि दुश्मन भी कमजोर नहीं होगा, तो हम बाहर से हमला करेंगे, वो भी हथियारों से लैस होंगे, इसलिए हमें एक एक को चुन चुन के मारना होगा। हम अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो सिर्फ जीतने के इरादे से, और हर हाल में जीत हमारी ही होनी चाहिए। हाथ ऊपर करो, चलो। पुलिस हर तरफ है, मेरे पास वारंट है, भागने की कोशिश मत करना। देख क्या रहा, पकड़ो उसे। Yeah!
चल उठ, चल। ले जाओ इसे, सबको गिरफ्तार कर लो, ले चलो। तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं देख लूंगा तुम्हें। हाँ देख लेना। शैरन, कैप्टन, जेको कहाँ है? वो वहाँ बंधा पड़ा है, जाओ लेकर आओ उसे। ठीक है सर। तुम दोनों ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक है। वैसे ली, शुरुआत चाहे जैसी भी रही हो, पर आखिर में हम दोनों ने साथ मिलकर कामयाबी हासिल कर ही। इससे साबित होता है कि चाइना और हांगकांग मिलकर बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोबारा ऐसे ही साथ काम करने का मौका मिलेगा, दोस्ती और मजबूत हो जाएगी। हाँ बिल्कुल जरूर। वैसे ली, हमारा मिशन तो पूरा हो गया, अब तुम बेफिक्र होकर कहीं भी घूम सकती हो। हाँ मैं भी यही सोच रही थी कि यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देख लूँ, तुम साथ चलोगी? हाँ क्यों नहीं, तो चलो मेरे साथ, चलो। This movie encoded by Dread Holmes.